क्यों आज अपन सॉल्व करेंगे हिंदी की वाक्शी पाठ व्याकरण। पहला प्रश्न, इस कहानी को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित शब्दों को लिखिए। कजरी और अपने दादाजी के साथ सुबह पार्क में घूमने गई। दादाजी ने कजरी से पूछा, पार्क में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कजरी ने कहा, वह देखो, पेड़ पर चिड़िया बैठी है और चहचहा रही है, बच्चे गेंद खेल रहे हैं, वह लड़की झूला झूल रही है, राजा अपनी बहन रिमझिम के साथ दौड़ रहा है, कुछ व्यक्ति पार्क में योग कर रहे हैं, पार्क के सामने से बस आगरा जा रही है। अंत में कजरी ने कहा, दादाजी आप भी मेरे साथ झूला झूलो। दादाजी ने कहा, मुझे बुढ़ापा आ गया है, अब नहीं झूल सकता, बचपन में मैंने खूब झूला है, अब तुम झूलो। तो बच्चों देखो, यहाँ पे कजरी पार्क चिड़िया बच्चे गेंद लड़की राजा रिमझिम व्यक्ति ठीक है बस आगरा झूला बुढ़ापा और बचपन ठीक है। बच्चों यहाँ पे संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कजरी, दादाजी, पार्क, चिड़िया, पेड़, बच्चे, गेंद, झूला, बस, आगरा, बुढ़ापा आदि। बच्चों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होते हैं? संज्ञा तीन प्रकार की होती है। पहली, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कजरी किसी का नाम है, आगरा कोई जगह है, राजा, नटखट आदि। जातिवाचक, जिस संज्ञा से पूरी जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पार्क, चिड़िया, गेंद, झूला, बस आदि। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या उसकी अवस्था की जानकारी मिलती हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, जवानी ठीक है। रिक्त स्थान भरे, किसी व्यक्ति, वस्तु स्थान विशेष या खाली स्थान के नाम विशेष या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है। दादाजी, दादाजी कौन से संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ठीक है बच्चों। आगरा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बचपन, बचपन अपन को भाव पता रहता है, भाववाचक हो जाएगा। और चिड़िया अपनी
जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा बच्चा चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक संज्ञा छाट कर यहाँ लिखना है। व्यक्तिवाचक राम, लाल किला, ताजमहल। जातिवाचक महात्मा, भाव भी जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति अवस्था पता चले, जैसे भाव पता चले बचपन, बुद्धिमानी, मिठास, भलाई, वीरता, लिखाई। समझ में आया सबको संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए।